अक्षय कुमार लौट आए हैं भाई। बड़े दिन बाद अक्षय कुमार की कोई फिल्म देखी और बहुत मजा आया। मतलब एज एन एक्टर अक्षय कुमार ने बड़े वक्त बाद एक ऐसा किरदार किया है जो मैं कहूंगा कि अक्षय कुमार के बेहतरीन किरदारों में से एक है। सबसे बेस्ट है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है ये जरूर कह सकता हूँ। सरफिरा आई है और बड़ी सरफिरी टाइप की फिल्म है। साउथ की फिल्म सुलरई पोट्टरू का रीमेक है, उसमें सूर्या थे। कैप्टन जी आर गोपीनाथ की कहानी, जिन्होंने डेक्कन एयर जो है उसकी स्थापना की थी। वो चाहते थे कि आम आदमी हवा में उड़े, एक रुपए में फ्लाइट की टिकट कैसे होगा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म की खासियत क्या है ना, इसे सेट पे शूट नहीं किया गया, रियल लोकेशन पे शूट किया गया है और बहुत शानदार तरीके से ये फिल्म बनी है। शुरुआत से मुद्दे पे आती है, कहीं नहीं रुकती और खूब रुलाती है। मैं जब फिल्म देखते हुए रो रहा था तो मैंने आसपास देखा कि क्या बाकी लोग भी रो रहे हैं, बाकी लोगों के हाथ में भी मुझे रुमाल दिख गया। और जब फिल्म रुला दे इसका मतलब दिल को छू गई है, और ये फिल्म दिल के साथ साथ दिमाग को भी छूती है, आत्मा को भी छूती है और आपको मोटिवेट भी करती है। अक्षय कुमार ने शानदार काम किया, खासतौर पर जो इमोशनल सीन्स हैं उनके परिवार के साथ, जब वो हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पाते और इस वजह से अपने बीमार पिता के पास जा नहीं पाते और पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, वो सीन कमाल का है। बड़े सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको रोना आ जाएगा, आप इमोशनल हो जाएंगे। राधिका मदान के लिए ये फिल्म पाथ ब्रेकिंग है, उनका करियर इस फिल्म के बाद बदल जाएगा। अक्षय जैसे सुपरस्टार के सामने जिस कॉन्फिडेंस के साथ राधिका ने एक्टिंग की है ना, काबिले तारीफ है। मतलब कई कई सीन्स तो ऐसे हैं, क्योंकि राधिका का किरदार ही एक ऐसी लेडी का है जो तबंग है, जो खुल के बोलती है, वो अक्षय पे भी भारी पड़ जाती है। और एक एक्ट्रेस की खासियत जो है वो यही होती है, सीमा विश्वास का काम बहुत शानदार है। जितने सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन सब ने बड़ा शानदार काम किया। सुधा कोनहारा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, उन्होंने ही ओरिजिनल फिल्म भी बनाई थी और ओरिजिनल वाली में इमोशन अलग तरह से दिखाए गए थे, इसमें इमोशन अलग तरह से दिखाए गए हैं। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ देखी जानी चाहिए, बिल्कुल क्लीन एंटरटेनमेंट है। गाने भी बहुत बढ़िया हैं, म्यूजिक भी जो बीच बीच में आता है वो खूब मोटिवेट करता है। आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ देखिएगा, बहुत मजा आएगा, डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरह के सिनेमा को अगर सपोर्ट करेंगे तो ही अच्छा सिनेमा बनेगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स।